कार्तिक, मैंने आपकी पसंद की ड्रिंक बनाई है। क्या? वाओ, हॉट चॉकलेट। वेरी नाइस। थैंक यू मोनी दीदी, मुझे स्नेक से बचाने के लिए। आपको एक राज की बात बताऊं मैं? कौन सी? मुझे लगता है ना कि मैंने आपको सांप से नहीं बचाया, आपने खुद अपने आप को बचाया। कैसे? आप इतने बहादुर हो कि वो सांप डर के मारे खुद ही भाग गया। वाओ, मासी भी यही कह रही थी। है ना? हाँ। बिल्कुल सही कह रही थी मासी, आप एकदम सुपर हीरो। मुझे लगता है ना कि ये बात स्कूल में सारे बच्चों को बतानी चाहिए। हाँ, मैं ये बात किसी को नहीं बता सकता। क्यों? क्योंकि ना मासी ने मना किया है, कहीं ये बात फिर से किसी तरह भागो दादी के पास ना पहुंच जाए। वो तो अच्छी बात है ना, उनको ये बात पता चलनी चाहिए, उनको आपको बताना चाहिए कि उनके घर में उनका सिर्फ पोता ही नहीं, उनके पोते का बेटा भी एक सुपर हीरो है ना? जब दादी को पता चलेगा कि कार्तिक कितना बहादुर है और उसने सांप से मुकाबला किया, उनको अच्छा लगेगा ना? नहीं नहीं, मासी ने मना किया है। कार्तिक, दादी जब ये बात सुनेगी तो उन्हें अच्छा लगेगा ना कि उनका कार्तिक कितना बहादुर है ना? नहीं नहीं नहीं, मासी ने बोला है कि दादी की हेल्थ अभी ठीक नहीं है, वो सांप वाली बात से बहुत डरी हुई है, और अगर मैंने उनको बता दिया तो वो और डर जाएंगे और वो फिर से हॉस्पिटल चली जाएंगी। मुझे क्या लगता है ना कि आपकी मासी को ना गलत फहमी है। जब तुम्हारी दादी को पता चलेगा कि उनका कार्तिक कितना बहादुर है और उसने सांप से मुकाबला किया, तो उनका डर बढ़ेगा या कम होगा? उन्हें लगेगा कि जब अगली बार घर में सांप आएगा ना, तो कार्तिक उनकी रक्षा करेगा, है ना? और इससे ना दादी की सेहत भी अच्छी रहेगी। सच में? हाँ। अब आप ही बताओ, आपको पता चले कि आपके घर में एक सुपर हीरो है, तो आपका डर बढ़ेगा या कम होगा? और अगर दादी को ये पता चले कि उनके इस घर में दो दो सुपर हीरो है, तब क्या होगा? सच में? तो मुझे तो ये सब बता देना चाहिए दादी को।